बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग क्राफ्ट। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही स्टाइलिश प्लाजो कटिंग के बारे में बताऊंगी। ये देखें, लेंथ के हिसाब से 37 लेंथ के हिसाब से मैंने एक कपड़ा पहले ही कटिंग कर रखी है। जैसे ट्राउज़र की शेप से निकालते हैं उसी तरीके से अब हम देखें, इस तरह पैंची वाली साइड से 15 इंच पर मार्क करेंगे। देखें इस तरह आसन की तरफ ले जाएंगे। इस तरीके से और हमने 20 इंच की पैंची से लेकर घुटने तक आएगी, 20 इंच की हमें यहाँ कलियाँ डालनी है। तह किए हुए कपड़े को इस तरह रखने के बाद 4 इंच पर आप मार्क करेंगे। ये देखें इस तरह 4 इंच से निशान लेकर आपने 20 इंच तक लाइन लगानी है। ये देखें इस तरह जहाँ हमने कटिंग करनी है, ये देखें यहाँ तक, और इसकी साइड वाली कटिंग ये है। इस तरफ से हम साइड वाली कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से आसन की कटिंग करेंगे। आसन की कटिंग ऊपर से कम और नीचे से खुली होती जाएगी। ये देखें इस तरीके से 15 से 16 इंच तक आसन रखा जाता है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये कलियों वाला बहुत ही खूबसूरत प्लाजो रेडी होगा। न्यू स्टाइल में कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें इस तरीके से अब जहाँ हमने कलियाँ लगानी है हम उधर से निकालेंगे। देखें 20 इंच की लेंथ पर हमने कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने यहाँ फिर कलियाँ फिक्स करनी है। इस तरह ये देखें 20 इंच की लंबाई पर मैंने पहले पीस निकाल रखा है। 20 इंच लंबाई और तकरीबन 10 इंच की चौड़ाई है इसकी। ये डबल कपड़ा है इसलिए हमारी 4 कलियां निकलेंगी। ये देखें इसको तिरछा करने से हमारी बिल्कुल सीधी कलियां निकलती हैं। ये देखें इस तरह 2 कलियां एक लेग में लगेंगी, 2 दूसरी लेग में लगेंगी। सेंटर वाली सिलाई से 4 इंच के गैप पर कलियां लगेंगी। देखें इस तरह ये एक साइड की लेग है। इस तरीके से हम इसमें कलियां फिट करेंगे और ऊपर बटन लगाएंगे। ये मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। ये देखें मैं कली लगाने का आपको तरीका बता रही हूँ। कली को जब भी लगाएं सीधी तरफ से लगाएं, कभी भी इस तरफ से तिरछी साइड से नहीं लगाते। शुरू करते वक्त सीधी साइड को इस्तेमाल करते हैं। ये देखें इस तरह तिरछी साइड से शुरू करने से वो आपकी कम ज़्यादा हो जाएगी। पहले सीधी साइड से शुरू करते हैं। दिन नोक पर आकर हम आहिस्ता से इसे टर्न करेंगे।
सकते हैं इस तरीके से। ये देखें हम इस तरीके से कली को लगाएंगे, हम चार एक कलों को लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने बटरफ्लाई लगानी है इसके कोने के ऊपर, नोक के ऊपर। उसका बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। कपड़े को डबल करने के बाद हमने फुल साइड से स्टिच किया है, उसके बाद सेंटर से कट निकाला है और उसको इस तरह से अंदर से बटरफ्लाई को सीधा करेंगे। चार कलियों पे चार बटरफ्लाइज लगेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर बटन या कोई बीट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। देखें इस तरह स्क्वायर से निकलेगी, फिर हम इस तरह इसको स्टिच करके बटन यहाँ लगा देंगे कली के कोने के ऊपर। मैं आपको चार कलियाँ सीने के बाद दिखाती हूँ। ये देखें मैंने चारों कलियाँ लगा ली हैं। अब हम हल्का साइड में इनको गुलाई में टर्न करेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। कलियों में ये तिरछी साइड पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा लाजमी बच जाता है, इसलिए हम इसको हल्का सा गुलाई में कटिंग करेंगे। ये देखें इस शेप में, देखें बाकी मेरा प्लाजो सारा रेडी है। बटरफ्लाई और बटन लगाने हैं। ये देखें मैंने प्लाजो रेडी कर लिया है। इसके एंड पे मैंने तो पीको की है, आप अगर चाहें तो पाइपिंग या लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप बआसानी देख सकें। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।